जीवन कला स्कूल में अभिभावकों की बैठक हुई। आयोजित रानी उपखंड की ग्राम पंचायत जीवन कला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जीवन कला में प्रिंसिपल विजयेंद्र सोनगरा के मुख्य अतिथि में आज राज्य सरकार के आदेशों पर कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों के स्कूल खोलने को लेकर अभिभावकों की बैठक आयोजित कर कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों को स्कूल खोलने को लेकर बैठक में चर्चा की तथा बच्चों को स्कूल भेजने को कहा, ताकि चल रही कोरोना महामारी को देखते हुए अभिभावकों की सहमति से बच्चों को स्कूल भेज सके, साथ ही आगामी परीक्षा की तैयारी करवा सके। इसी को लेकर 8 फरवरी को पुनः विद्यालय खुल रहे हैं, जिसके कारण कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए बच्चों को ये अध्ययन करवाया जाएगा। इस मौके पर प्रिंसिपल विजयेंद्र सोनगरा वजाराम बावल ओगदराम सुथार मगनाराम चौधरी मानसिंह वजाराम चौधरी तेजाराम बावल मंगलाराम वर्मा परबत सिंह स्कूल स्टाफ में सुमित पारासर संदीप जांगिर महावीर सिंह दिलीप सिंह राव दयाराम हंसाराम मेघवाल रूपाराम बोस सुगन सिंह राठौर और प्रवीण बावल प्रवीण रांगी आदि मौजूद रहे। कल से कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ सुविधाओं के साथ स्कूल में आप बच्चों को बुलाएंगे और क्या करेंगे? पूर्व में कक्षा 9 से 12 तक जो नियमित शिक्षण कार्य प्रारंभ हुआ है, उसमें सारी व्यवस्थाएं पहले से की गई है। उन्हीं व्यवस्थाओं को इस कक्षा 6 से 8 तक में भी वही व्यवस्थाएं, हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था है, मुंह पे मास्क लगाने से व्यवस्था है, फुट सैनिटाइजर की जो व्यवस्था के अनुसार उनको नियमित कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। तो इस बैठक में अपने उनके माता पिता के अभिभावकों की वो भी लिखित में लेना अनिवार्य है इस बार? हाँ, अनिवार्य है। जो पूर्व में 9 से 12 के लिए भी हमने उनके से सहमति पत्र लिया था, तो 6 से 8 क्लास के लिए भी सारे बच्चों से हमने सहमति पत्र लिया है आज की बैठक के अंदर, बीटीएम बैठक के अंदर। और सहमति पत्र लेने के बाद में ही उनको नियमित शिक्षण कार्य में बुलाया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी या किसी प्रकार की बीमारी के लक्षण होते हैं तो उनको विद्यालय नहीं आने का कहा गया है, और घर पर रहकर स्माइल 2 के अंतर्गत जो उनको कंटेंट भेजे जाते हैं उस कंटेंट के माध्यम से वो शिक्षण कार्य घर पर बैठकर ही करेंगे और अपनी सुरक्षा बनाए रखेंगे।